सो हे गाइस, दिस इज आदर्श गुप्ता और आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 6, जिसके अंदर हम करने वाले हैं अलजेब्रा, यानी कि अगर दो फंक्शन आपके एडिशन में या फिर सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में, तो हम उसके ऊपर डिफरेंशिएशन किस तरीके से पता करेंगे, राइट? उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, इन सबका देख लिया था, उन सभी को मैंने यहाँ पे नोट डाउन करके लिख लिया है, तो प्लीज इन सबका डेरिवेशन याद कर लीजिए, ये आप सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट, अब हम देख लेते हैं हमारे लेक्चर का ऑब्जेक्टिव क्या है। उससे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी नोट चाहिए तो प्लीज आप डिस्क्रिप्शन में विजिट करो, वहां पे मैंने कुछ क्वेश्चन भी दे रखे हैं इंपॉर्टेंट, उनको आपको खुद से ट्राई करके भी देखना है, राइट? तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है। तो देखिए हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, और यहां पे सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं कि हमें अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव की जरूरत क्यों पड़ी, यानी कि अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव की हमें जरूरत क्यों पड़ी है। तो देखिए मान लीजिए हमारे पे साइन एक्स है, जैसे वहां पे प्रॉब्लम कहती है, जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वहां पे प्रॉब्लम है, जैसे साइन एक्स है प्लस में कॉस एक्स है, तो क्या मैं इसका, मान लो इसका डिफरेंशिएशन निकालना मुझे फर्स्ट प्रिंसिपल से, तो मुझे बहुत टाइम नहीं लग जाएगा? खुद सोच के देखो, बहुत टाइम लग गया है ना, बहुत टाइम लग जाएगा अगर आप कुछ वाले फॉर्मुलेस करोगे। तो अब हमें कुछ ना कुछ शॉर्टकट तो चाहिए। चलो मान लो इसका आप निकाल लेते हो, इसका क्या होगा, एक्स का स्क्वायर टेन, ठीक है, अंडर रूट में वन माइनस एक्स अपॉन में वन प्लस एक्स, इसका क्या होगा डेरिवेशन? तब तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना, निकल तो तब भी जाएगा उसे, लेकिन बहुत मुश्किल होगा, टफ होगा। तो हमने क्या करा, हमने अब अलजेब्रा अप्लाई करना स्टार्ट करा। अलजेब्रा का मतलब क्या, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ये दोनों फंक्शन क्या आपके मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पे दोनों फंक्शन कैसे आपके एडिशन में, तो वही हमने अब अलजेब्रा अप्लाई करना स्टार्ट करा। और हमने जितने भी फंक्शन का डेरिवेटिव देखा था ना, उन सबको हमने नोट डाउन करके लिख लिया फर्स्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। देखो मैंने कॉन्स्टेंट का बताया था, इसका बताया था, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया, फिर ई एक्स का बताया था, ये सारा कुछ नोट करके मैंने लिख रखा है, राइट? तो इन सबको आपको याद रखना है, क्योंकि हम डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। जैसे मुझे इसका डिफरेंशिएशन पता करना है, क्या होगा कॉस, इसका क्या होगा माइनस में साइन, हो गया खत्म, इतना आसान है। तो देखो हम पहले देख लेते हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, यानी कि एक फंक्शन का, जैसे कोई भी हमारे फंक्शन है उनके बीच हमें अलजेब्रा अप्लाई करना है, जैसे एडिशन में हो सकते हैं, सब्ट्रैक्शन में हो सकते हैं, प्रोडक्ट में हो सकते हैं, कोटेंट में हो सकते हैं, इन दोनों के ऊपर हम क्वेश्चन है ना वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अभी हम इन दोनों के ऊपर ही बात करेंगे। फिर उसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यानी कि इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इनको प्लीज आप देख लीजिए, मैं अभी आपको कुछ बताऊंगा कि किस तरीके आपको शॉर्टकट से इसको याद करना है। सो स्टूडेंट, हमारा तीसरा टॉपिक देखिए, हमारा क्वेश्चन बेस्ड ऑन अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव, यानी कि हम अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव के ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे। जैसे आपका हो गया पॉलीनोमियल फंक्शन के ऊपर, एंड हम बात करेंगे मॉडुलस फंक्शन के ऊपर, एंड देन हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के ऊपर। उसके बाद हम कुछ प्रूफ वाले क्वेश्चन भी देखेंगे। तो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, प्लीज आप कॉपी और पेन निकालोगे, यही से आपका डेरिवेशन जो है और भी स्ट्रॉन्ग करना है मुझे, तो प्लीज आप कॉपी और पेन निकालो और मेरे साथ सारी चीजें नोट करना। सो स्टूडेंट, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से। तो हमारा पहला टॉपिक है अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव, यानी कि अलजेब्रा का क्या मतलब होता है, जैसे दो फंक्शन आपके, दोनों फंक्शन किस तरीके से अगर एडिशन में है, तो अगर आपको उसका डिफरेंशिएशन निकालना है, यानी कि डेरिवेटिव निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस में दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव, ये एडिशन के लिए था। देखिए दो फंक्शन एडिशन में है, अगर हमें डेरिवेटिव निकालना है इस पूरे का, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस में सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, एंड सेकंड, देखिए सेकंड क्या आपका, फर्स्ट फंक्शन ये आपका इनके एफ एक्स माइनस में जी एक्स, दोनों फंक्शन माइनस में है, तो हम क्या करेंगे, देखिए इस पूरे का हमें क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है, तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस में सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों इंपॉर्टेंट है, और इन दोनों में आप ध्यान से देखिएगा, हमें क्या दे रखा है, डी अपॉन डी एक्स फंक्शन एफ एक्स इंटू जी एक्स, यानी कि दोनों फंक्शन कैसे मल्टीप्लीकेशन में, जैसे मान लो साइन एक्स है और कॉस एक्स है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, तब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, आपको ये याद रखना है, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल, ये प्रोडक्ट रूल है। इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू में इसके साथ लिखेंगे सेकंड फंक्शन, प्लस में फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसे लिखो आप, और सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, ये आपका रूल हो गया पूरा। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल। हम इसके लिए और इसके लिए, जो आपका प्रोडक्ट रूल है और कोटेंट रूल है, इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन वगैरह देखेंगे, आज हम सिर्फ इन दोनों को ही कवर करेंगे। देखिए हम देख लेते हैं अपना कोटेंट रूल। तो देखिए कोटेंट रूल क्या है, ऊपर क्या आपका एफ एक्स, नीचे क्या आपका जी एक्स, दोनों देखिए कैसे डिवाइड में है, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू में सेकंड फंक्शन माइनस में फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसे लिखा हमने, फिर सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव करा अपॉन में जो आपका सेकंड फंक्शन था ना, इसका हमने नीचे स्क्वायर कर दिया। इन दोनों को हम बोलते हैं प्रोडक्ट और ये कोटेंट। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देख रहे होंगे, तो आप ये नोट कर लेना कि प्रोडक्ट के लिए हम क्वेश्चन और कोटेंट रूल के लिए हम क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कवर कर रहे होंगे, राइट? एक और चीज आपको ध्यान रखना है कि जितने भी आपके, जैसे कि मान लीजिए डिफरेंशिएशन है, जैसे आपका मान लीजिए एफ एक्स कोई फंक्शन है, अगर इसका डेरिवेटिव निकाले तो आप इसको कैसे डिनोट करते हो, इस तरीके से ऊपर ऐसे लगा के, ठीक है? और अगर इसी तरीके से अगर y के फॉर्म में दे रखा है y इक्वल्स टू, तो आप इसको कैसे डिनोट करोगे, मान लो y इक्वल्स टू एफ एक्स है, y इक्वल्स टू एफ एक्स है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, डी वाई अपॉन में डी एक्स, ये डिफरेंशिएशन का साइन है, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि हमेशा रिस्पेक्ट में निकाला जाता है। तीसरी चीज देखिए, तीसरी चीज ये है कि अगर मान लीजिए आपका y दे रखा है,
ठीक है, इसका आप डेरिवेटिव इसको आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हो। इन तीनों चीज़ों का मतलब एक ही है, डिफरेंशिएशन। ये चीज़ क्लियर हुई आपको, ग्रेट। अब मान लीजिए हमें क्या बोला है कि यहाँ पे इन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को पहले देखिए, ये आपको अब याद करना है। अब मैं बताता हूँ ये आया कहाँ से, बहुत सारे बच्चे सोच सकते हैं भैया आपने ये निकाला कहाँ से, आया कैसे है ये। जैसे यहाँ पे देखिए कि कॉन्स्टेंट अगर है, जैसे 2, 3, 5, 6, 7 तक कुछ भी हो आपका, कुछ भी अगर उसका हमें डिफरेंशिएशन निकालना है तो क्या होता है, जीरो होता है, ये ध्यान रखिए, क्या होता है, जीरो होता है। तो आप ये भी पूछ सकते हो ना कि भैया ये आया कहाँ से। देखिए जितने भी मैंने डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, जैसे आपका साइन का लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे देखिए साइन का, कॉस का, टेन का, ई एक्स का, ठीक है, ये जितने भी आपके डिफरेंशिएशन है ये सब आ रखे हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से। आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से मैंने सब कुछ करके दिखाया था और इसका डेरिवेटिव देखिए यही आ रहा था, है कि नहीं। जितने भी मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल से करवाए थे, जितने भी फंक्शंस के, सबका डेरिवेटिव मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। प्लीज़ आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, और आप कभी किसी चीज़ को भूल जाओ तो आपको उसको फर्स्ट प्रिंसिपल से निकाल के ही करना पड़ेगा। जैसे आपने मान लो कोटेक्स का भूल गए, डेरिवेटिव क्या होता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करना होगा और फिर आपको पता चलेगा कि ये होता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको इतना तो याद होना ही चाहिए, अगर ये याद है तभी आपसे क्वेश्चन बनेंगे, वरना आपसे क्वेश्चन नहीं बनने वाले। प्लीज़ आप इन सबको नोट करिए, एक बार इनको याद करने की कोशिश करिए, फिर हम करते हैं कुछ क्वेश्चन। तो प्लीज़ इन सबको नोट कर लीजिए। एक बार मैं बताता हूँ, देखिए अगर कॉन्स्टेंट है तो क्या होता है, जीरो, और एक्स की पावर एन है तो इसका डिफरेंशिएशन करना है तो हम क्या लिखते हैं, एन। देखिए एन बाहर आ गया, ठीक है, एक्स की पावर एन माइनस वन हो जाएगा। सेम इस तरीके से ई की पावर एक्स है, अगर इसका डिफरेंशिएशन करना है तो हम क्या लिखेंगे, ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का सेम ही होता है, ई की पावर एक्स ही होता है, लॉग ई एक्स है, देखो बेस क्या है इसका, ई। अगर इसका डिफरेंशिएशन करना है तो हम क्या लिख देंगे, वन अपॉन में एक्स, और यहाँ पे देखिए लॉग ए एक्स है, बेस चेंज हुआ, बेस क्या है आपका, ए है, ई नहीं है, तो आप लिखोगे वन अपॉन में एक्स लॉग ई ए। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ही कराया, तो प्लीज़ आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, वरना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, वरना आप याद कर लीजिए इसको इस तरीके से ही। फिर यहाँ पे क्या आपका साइन एक्स, साइन एक्स हम क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स, ठीक है, और कॉस एक्स का देखिए जितने भी आपके सी से स्टार्ट हो गए, जैसे कॉस हो गया, कॉट हो गया और कोसेक हो गया, इन सबके आगे आप क्या लगाओगे, माइनस। यहाँ पे देखिए कॉट का क्या होता है, माइनस में कोसेक, और यहाँ पे कोसेक का क्या होता है, माइनस में कोसेक इंटू कॉट एक्स, ये इंटू में। तो यहाँ पे देखिए साइन का हो गया था, साइन का क्या होता है, कॉस, कॉस का देखिए क्या होता है, क्योंकि कॉस है ना सी से स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे और साइन लिख देंगे। देखिए टेन है, टेन का क्या होता है आपका सेक स्क्वायर एक्स, फिर कॉट का क्या होता है, माइनस में, देखिए सी से स्टार्ट हुआ तो माइनस लगाओ, कोसेक स्क्वायर एक्स, और देखिए सेक का क्या होता है, सेक का होता है सेक एक्स और टेन एक्स, राइट। और इसी तरीके से अगर आपको कोसेक का बोल दिया जाए तो माइनस में कोसेक और कॉट एक्स। अब बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज हो रहे हैं, भैया हम इतना सारा याद करेंगे, जी हाँ बिल्कुल याद कर लीजिए, वरना इसके अगर आपको ये नहीं आएगा तो फिर आगे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो प्लीज़ आप इसको याद कर लो। सो स्टूडेंट चलिए अब हम कर लेते हैं एलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन के ऊपर कुछ क्वेश्चन। तो जैसे कि स्टूडेंट देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका, पहला क्वेश्चन दे रखा है कि फंक्शन एफ एक्स, देखिए सबसे पहले तो हमें लिखा हुआ है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि इन चारों को हमें विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना है, यानी कि एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना है किसके रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करने के लिए बोला गया है, राइट। तो चलिए हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। सबसे पहला काम किया कि अगर हमें इसे डिफरेंशिएट करना है तो हम क्या लिख लेंगे इसको सॉल्यूशन में, हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, इस तरीके से तो लिखते हैं, और यहाँ पे आप क्या कर दोगे, डी अपॉन में डी एक्स, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करोगे ना, इधर भी डिफरेंशिएशन इधर भी डिफरेंशिएशन, बहुत सारे डिफरेंशिएशन, तो ये बन जाएगा। यहाँ पे क्या होगा आपका साइन एक्स और प्लस में ए, राइट। अब देखो डिफरेंशिएशन ये एडिशन में, तो दोनों के अंदर डिफरेंशिएशन चला जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि डी अपॉन में डी एक्स, राइट। यहाँ पे क्या आ जाएगा बताइए, साइन एक्स प्लस में डी अपॉन में डी एक्स, और ये क्या आ जाएगा ए, ए क्या है आपका कांस्टेंट, कभी भी अल्फाबेट कोई भी दिख जाए ना तो इसका मतलब ये है कि वो क्या होगा आपका कांस्टेंट होगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे देखिए डी अपॉन में डी एक्स, यहाँ पे डी एक्स, यहाँ पे देखिए एक्स वाला टर्म ही होना चाहिए, जैसे ये देखिए साइन एक्स है ना, साइन एक्स है, देखो जैसे यहाँ पे क्या था आपका एक्स था, ये कांस्टेंट हुआ तो आंसर क्या आएगा, जीरो। अगर यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे एक्स की पावर एन ही होना चाहिए, अब ऐसा नहीं है कि डी अपॉन डी एक्स है नीचे और यहाँ पे तुम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, मान लो तुम्हारे पे है यहाँ पे ए की पावर टी, तो ये एक तरीके से कांस्टेंट बन गया, समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ, ये एक तरीके से कांस्टेंट बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, टी के रिस्पेक्ट में थोड़ी ना करना है, तो ये क्या बन जाएगा पूरा कांस्टेंट, इसका कुछ होगा ही नहीं, क्या हो जाएगा जीरो, कांस्टेंट का क्या होता है जीरो। तो यहाँ पे जो है वही वाला होना चाहिए, देखिए जैसे यहाँ पे एक्स है तो यहाँ भी एक्स है ना, यहाँ पे देखो एक्स है तो ई की पावर एक्स है, अगर ई की पावर टी हो जाए तो क्या लिखोगे, जीरो, कांस्टेंट बन जाएगा वो। यहाँ पे देखिए एक्स है, यहाँ पे लॉग बेस ई और यहाँ पे क्या एक्स है, तो इसको हमने वन अपॉन में एक्स लिखा। तो ये ध्यान रखना कि हर जगह देखो आपको एक्स मिलेगा ही अगर आपको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। हाँ अगर ये अलग बात हो जाती, अगर कोई आपसे ये बोलता कि डी अपॉन में डी टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, किसको, मान लो कि आपका इस तरीके से टी की पावर एन, तब आप इसमें क्या लगाओगे, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, राइट। चलो समझ आया, हटाते हैं। अब यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, देखो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आप क्या लिख सकते हो, देखो यहाँ पे आइए कॉस एक्स, तो हम इसको लिख लेंगे कॉस एक्स,
सेम इस तरीके से ए क्या आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट का क्या होता है जीरो, तो हमने लिख लिया जीरो। तो ये चीज समझ में आ गई आपको, यानी कि हमें डिफरेंशिएशन निकाल लिया, तो फाइनली हमारा ये डिफरेंशिएशन आ चुका है। अब हम नेक्स्ट करते हैं, तो नेक्स्ट हमारे देखिए क्या है, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, तो हम लिख लेते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी अपॉन में डी एक्स, राइट। यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस प्लस में कॉस एक्स प्लस में ई एक्स ई की पावर एक्स। अब आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसको इसका डिफरेंशिएशन यानी कि डी अपॉन में डी एक्स, ठीक है, एक्स का क्यूब प्लस में डी अपॉन में डी एक्स, यहाँ पे क्या होगा आपका कॉस एक्स, फिर डी अपॉन में डी एक्स, और ये क्या होगा ई की पावर एक्स। ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन तो ए का ई की पावर एक्स ही होता है, तो हम ई की पावर एक्स लिख लेते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट करिए, तो आप देख सकते हो अगर डी अपॉन डी एक्स है, एक्स की पावर एन हो तो हम क्या लिखते हैं, एन फिर एक्स एन माइनस वन, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, थ्री बाहर आ जाएगा क्योंकि इसकी पावर एन की जगह तीन है। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स, फिर तीन माइनस एक यानी कि थ्री माइनस वन, ये ऊपर क्या बन जाएगा, टू बन जाएगा, है ना, वही तो होता है आपका एन। यहाँ पे देखिए एन और फिर x n की n माइनस वन, यानी कि एक आप घटा के ऐसे लिख दोगे, तो यहाँ पे आ गया टू। प्लस में cos का क्या होता है, देखिए cos x का, सॉरी ये cos x है, cos x का क्या होता है आपका sin x, तो हम लिख सकते हैं ना माइनस में sin x प्लस में e की पावर x। तो फाइनली हमारा ये डिफरेंशिएशन आ चुका है। करते हैं थर्ड क्वेश्चन, तो यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो आपको यहाँ पे देखिए log बेस कितना आपका टेन है ना, यहाँ पे x लिखा हुआ है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि log a x है, यानी कि e तो है नहीं, e होता तो हम वन अपन x करते, तो इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ये इसका मतलब क्या होता है, वन अपॉन में एक्स लॉग ई ए, यानी कि जो बेस था यहाँ पे आ जाता है। तो इसको करते हैं, पहले लिख लेते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ, सॉरी डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी अपॉन में डी एक्स, यहाँ पे क्या हमारा लॉग टेन एक्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन में एक्स पहले, तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा लॉग ई, अब देखो ए की जगह क्या है टेन है ना, तो हम यहाँ पे टेन लिख लेंगे, जैसे यहाँ पे ए था, यहाँ पे ए की जगह टेन है, यहाँ पे क्या आया था लॉग ई ए आया था, यहाँ पे लॉग ई टेन, तो फाइनली हमारा ये आंसर आ गया है। अगला हम करते हैं नेक्स्ट, देखिए इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, तो हम क्या लिख देंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल्स टू डी अपॉन में डी एक्स, ठीक है, इसका पहले डिफरेंशिएशन करोगे लॉग एक्स का, इसका क्या आएगा वन अपॉन में एक्स, राइट। देखो अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ई होगा, बेस ई होगा, जैसे आपका लिखा हुआ सिर्फ लॉग एक्स, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ई ही है। चलो हटाए आगे करें, ये देखिए यहाँ पे क्या हमारा ई एक्स है, तो ई एक्स का तो ई एक्स ही होता है, और देखिए टेन एक्स का क्या होता है आपका सेक एक्स, यहाँ तक क्लियर हो गया, sec स्क्वायर x, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे sec स्क्वायर x, देखिए ना tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x, क्लियर है। चलो प्लीज नोट करो, फिर हम आगे करते हैं, प्लीज नोट। सो स्टूडेंट अब हम करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन, तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया, आपको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में इन दोनों को, राइट। तो चलिए हम करके करना स्टार्ट करते हैं, आप क्या करो इसको y के इक्वल ऐड कर लो, कुछ नहीं दे रखा, तो y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी अपॉन में अंडर रूट एक्स। देखो अपॉन में इस पूरे के नीचे है ना, तो आप इसके नीचे भी लिख सकते हो, यानी कि अंडर रूट एक्स। अंडर रूट एक्स का क्या मतलब होता है, एक्स की पावर वन अपॉन में टू, बताओ क्लियर है, राइट। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं एक्स की अंडर रूट एक्स ना, अंडर रूट एक्स क्या होता है आपका वन अपॉन में टू पावर, फिर यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे एक्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा पावर वन अपॉन में अंडर रूट, ठीक है अंडर रूट था ना, तो यहाँ पे वन अपॉन में टू, इसके नीचे क्या आ जाएगा एक्स वन अपॉन में टू, तो यहाँ तक क्लियर हुआ आपको, चलो बहुत बढ़िया। इसको हम क्या लिख सकते हैं वाई इक्वल्स टू ए एक्स का स्क्वायर, देखो दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी क्योंकि डिवाइड में, तो हम लिख लेंगे टू माइनस वन अपॉन में टू, प्लस में यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे बी एक्स, यहाँ पे वन है ये माइनस में वन अपॉन में टू, पावर माइनस हो गई ऊपर जाके। प्लस में यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं सी, यहाँ पे एक्स की पावर कितनी हो जाएगी माइनस में वन अपॉन में टू, क्योंकि पावर जब ऊपर जाती है तो माइनस हो जाती है। ये चीज़ समझ में आई आपको, बताइए हाँ या ना, कमेंट में पक्का लिखा कीजिए कि आपको कैसे लगी वीडियो। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस में वन अपॉन में, देखिए सी था माइनस में वन अपॉन में टू, इसकी पावर आ जाएगी, राइट, ये सी है आपका, यहाँ तक क्लियर है। चलो इसको अब हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो पहले एक बार और सॉल्व कर ले थोड़ा सा, चलो कर लेते हैं। तो वाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा ए एक्स, देखो यहाँ पे आप एलसीएम लोगे फोर, फोर में से एक गया तो यानी कि तीन अपॉन में दो, प्लस में यहाँ पे हम करेंगे बी एक्स, इन दोनों का एलसीएम लोगे जैसे वन माइनस में वन अपॉन टू है ना पावर, एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा वन अपॉन में टू, प्लस में यहाँ पे अगर आप करोगे तो क्या आएगा बताइए सी एक्स, ये तो ऐसे का ऐसे रहने वाला है, तो हमने इसको ऐसे का ऐसे लिखा। अब हमें डिफरेंशिएट कर लेना है दोनों तरफ, तो हम कर लेते हैं डी वाई अपॉन में डी एक्स, देखो हमें एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो यहाँ पे हम करते हैं पहले, तो देखो यहाँ पे क्या आएगा डी अपॉन में डी एक्स, एलजेब्रा लगाओगे इस पूरे के अंदर, यानी कि सेपरेट सेपरेट आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो पहले इसको लिखते हैं ए है आपका एक्स की पावर कितनी है तीन अपॉन में दो, ठीक है, प्लस में डी अपॉन डी एक्स बी की पावर, बी एक्स की पावर कितनी है वन अपॉन में टू, राइट। फिर हम क्या लिखेंगे प्लस में डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पे सी आ गया आपका और एक्स की पावर कितनी माइनस में वन अपॉन में टू। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या यहाँ पे आप बोल सकते हो ए कांस्टेंट है लेकिन उसका जीरो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये किसी के साथ है, जैसे टू एक्स है तो यहाँ पे टू तो कांस्टेंट है ना,
टू को बाहर निकालोगे, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे अगर किसी वेरिएबल के साथ है तो, जिससे जिस रिस्पेक्ट में आपको डिफ्रेंशिएट करना है उसके अगर साथ है कोई भी कॉन्स्टेंट तो उसको बाहर निकालो और उसको करो, इसको करोगे तो क्या आएगा, वन आएगा, जैसे इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। चलो हम करके देखते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए क्या आपका ए, तो ए आप बाहर निकालो, अब इसका डिफ्रेंशिएट करो किसको, एक्स की पावर कितनी है 3/2, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, इसमें आएगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होगा, 3/2 बाहर आ जाएगा और एक्स 3/2 जो पावर थी उसमें से एक माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3/2, एक्स की पावर कितनी 1/2, यहाँ तक क्लियर है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3/2 x की पावर 1/2, तो यहाँ तक क्लियर है। चलो आगे हम इसको b कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ पे आप करोगे x की पावर कितनी 1/2, तो 1/2 बाहर x, फिर 1/2 में से एक पावर कम हो जाएगी, तो क्या बचेगा बताइए 2, देखिए ना 1/2 x, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस में 2 अपॉन में 1, तो नीचे यहाँ पे क्या आएगा माइनस में 1/2, तो माइनस में 1/2, यहाँ तक क्लियर है। चलो हम लिख लेते हैं माइनस में 1/2 प्लस में, इसको हमें करना है तो यहाँ पे देखिए सी तो बाहर आ जाएगा आपका, और ये जो है आपका x की पावर कितनी है माइनस में 1/2, तो ये 1/-1/2 बाहर आ गया, x माइनस में 1/2 और माइनस का 1 हो जाएगा, तो कितना हो गया आपका माइनस में 1/2, और यहाँ पे x ये कितना हो जाएगा आपका 3, तो माइनस में 3/2, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे माइनस में 1/2 माइनस में 1/2 x की पावर कितनी है माइनस में 3/2, यहाँ तक क्लियर है, बताओ हाँ कि ना प्लीज़ मुझे आप बताना जरूर, हो गया। चलो आगे हम क्या करेंगे, इसको आप सॉल्व करो थोड़ा सा, तो हम इसको लिख सकते हैं 3a2, और ये देखो क्या हो जाएगा अंडर रूट x, क्योंकि इसका मतलब तो अंडर रूट x ही होता है ना, x की पावर हाफ है, इसका मतलब अंडर रूट x होता है, इसको हम क्या कर लेंगे b, अब देखो ये नीचे जाएगा, तो नीचे जाके क्या हो जाएगा x की पावर 1/2, तो ये अंडर रूट में आ जाएगा नीचे, ठीक है, माइनस में यहाँ पे क्या आपका x की पावर, देखिए यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 1/2, और यहाँ पे x की पावर कितनी हो गई 3/2, हमने पॉजिटिव करके लिख लिया, अब आपकी मर्जी है, चाहे तो यहीं पे छोड़ दो आंसर, या फिर थोड़ा सा ऐसे करके लिख लो, हमने इसको नीचे लिया तो कैसा हो जाएगा नेगेटिव, यानी कि देखो ना a की पावर अगर माइनस में हो तो इसको 1/2 ये लिख सकते हैं ना प्लस में, यहाँ तक क्लियर हुआ करा कैसे हमने, पहले ये था आपका सेपरेट किया हमने, सेपरेट कर लेने के बाद हमें क्या करना है, इस तरीके से आपका आ जाएगा, इस तरीके से आने के बाद हमने हर एक का डिफ्रेंशिएट करा ये वाला, इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, फाइनली हमारा आंसर आ गया, तो प्लीज नोट डाउन करिए। सो स्टूडेंट अब हम करते हैं सेकंड पार्ट का सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए अब हमें इसको इस तरीके से करना है डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे एक्स का स्क्वायर प्लस में 1/x का स्क्वायर, इसकी पावर कितनी है क्यूब है, चलिए हम इसको करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या करना होगा, इसको पहले तो देखिए डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, आपको इसको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्सपेंड करना होगा, एक्सपेंड आप कर सकते हो, जैसे कि आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, देखिए आपको पता है कि a का क्यूब प्लस में b का क्यूब का फॉर्मूला, सॉरी a प्लस b का क्यूब का फॉर्मूला पता होना चाहिए, a प्लस b का क्यूब है ना, देखो a प्लस b का क्यूब, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है a का क्यूब प्लस में b का क्यूब राइट प्लस में 3a का स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर, ये आपको पता होना चाहिए वरना आप नहीं कर पाओगे, यहाँ तक क्लियर है ना, यहाँ पे 3ab का स्क्वायर है। चलो अब हम इसको आगे कर लेते हैं, आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सपेंड करना होगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो देखिए a की जगह हमारा क्या x का स्क्वायर, b की जगह क्या है 1/x का स्क्वायर, इसके ऊपर क्यूब लगा हुआ है, तो चलिए हम खोलते हैं, पहले क्या आएगा a का क्यूब, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या आपका a की जगह y इक्वल्स टू, हम इसको बोल सकते हैं ना a की जगह क्या x का स्क्वायर, इसके ऊपर क्या लग जाएगा क्यूब, तो हो जाएगा x की पावर 6 प्लस में यहाँ पे 1/x का स्क्वायर है, यहाँ पे देखिए ना 1/x का स्क्वायर है b की जगह, इस पर क्या चढ़ा हुआ है क्यूब, तो हम इस पर क्यूब लगाते हैं तो 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा, फिर यहाँ पे आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना जाएगा 6, तो 1/x की पावर 6, ये आना चाहिए यार, छोटी छोटी चीज़ें हैं। उसके बाद देखो आप क्या लिख लोगे 3a का स्क्वायर b, तो हम लिख सकते हैं ना प्लस में 3a का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो यानी कि x का स्क्वायर x की पावर 4 इंटू में यहाँ पे b की जगह क्या है 1/x, तो हम यहाँ पे 1/x का स्क्वायर लिख लेते हैं, क्लियर। चलो आगे हम करते हैं, तो यहाँ पे क्या जगह 3 into a, a की जगह देखो क्या है x का स्क्वायर, फिर यहाँ पे देखो b की जगह क्या है 1/x का स्क्वायर, यानी कि इसको हम क्या कर लेंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो x की पावर 4 हो जाएगी, क्लियर। चलो बहुत बढ़िया, इसको हम क्या करते हैं आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा x की पावर 6 प्लस में 1/x की पावर 6, फिर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो ये पावर नेगेटिव है, ये आपका 4 है ना, ये नीचे तो आपका पावर क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, सिंपल आपका रूल है ये, तो x की पावर कितनी होगी 2 प्लस में यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगी, ये 2 था x की पावर 2 है, नीचे क्या 4 है उसको ऊपर ले लेंगे तो x की पावर माइनस में 2, तो हम लिख सकते हैं 3x की पावर माइनस में 2, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो अब हम आगे क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर दो dy/dx विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम इसको लिख सकते हैं, इस पूरे का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो हर एक इंडिविजुअल का करना पड़ेगा, तो हम पहले लिखते हैं d/dx, ठीक है आपको ऐसे करना है, ये रूल आप ऐसे याद रखोगे पेपर में, इस तरीके से करना है d/dx, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/x की पावर 6
फिर आप क्या लिखोगे प्लस में, देखो तीन तो कॉमन है ना आपका, मेरा मतलब है तीन तो आपका कॉन्स्टेंट है, तीन तो बाहर निकल जाएगा, तो हम लिख सकते हैं डी अपॉन में डी एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस में यहाँ पे थ्री बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे डी अपॉन में डी एक्स, यहाँ पे क्या आएगा एक्स की पावर माइनस में। तो अब हम आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे देखिए x की पावर अगर n होती है तो आप ये लिखते हो, यानी कि सिंपल कॉन्सेप्ट कुछ भी हो, x की पावर 6 है ना, आप 6 लिखो और x लिखो उसकी पावर में एक कम कर दो, राइट। यहाँ पे आप देखो 6 है ना, इसको आप क्या लिख सकते हो x की पावर माइनस में 6 ऊपर आके, ताकि वो फॉर्मूला अप्लाई कर सको, लिख सकते हो बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या आएगा बताइए, माइनस में 6 आएगा x, ठीक है माइनस में 6 आएगा ना एन जो होता है, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस में 6 और माइनस में 1 एक कम हो जाता है, तो ये कितना हो जाएगा 7, तो माइनस में 7 प्लस में यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे 3 x का स्क्वायर है ना, हम इसको क्या लिख लेंगे देखिए यहाँ पे होगा इनटू में 2 और x इसकी पावर एक कम हो जाती है, कितना हो जाएगा 1 इस फॉर्मूले का वर्डिंग। फिर यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे 3, यहाँ पे देखिए 2 इधर आ जाएगा, यानी कि 2 बाहर आ गया माइनस का, यहाँ पे क्या होगा x माइनस में 2 और माइनस का 1, यहाँ तक क्लियर है, यानी कि एक पावर जो है वो माइनस हो जाती है, ठीक है कम हो जाती है, तो यहाँ तक क्लियर हो गई। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं 6x की पावर 5 माइनस में 6x की पावर माइनस 7 प्लस में यहाँ पे कितना हो जाएगा 6x माइनस में, देखो ये कितना हो गया 6x की पावर माइनस में 3, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको, देखो ना ये माइनस का 6 हो जाएगा, यहाँ पे क्या x का x माइनस का 2 और माइनस का 1 क्या हो जाएगा माइनस का 3। तो प्लीज इसे नोट करिए, बहुत आसान क्वेश्चन था, इस फॉर्मूले को आप नोट करते हुए चलिएगा। और अगर यहाँ पे माइनस होता है ना, अगर ये मान लीजिए यहाँ पे माइनस होगा, तो माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे, माइनस वाले फॉर्मूले में यहाँ पे माइनस आता है, यहाँ पे माइनस आता है और यहाँ पे प्लस का प्लस ही रहता है, बाकी सब कुछ सेम होगा, राइट। तो चलिए प्लीज इसे नोट करिए, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज नोट। सो स्टूडेंट, अब हम करते हैं मॉडुलस फंक्शन के ऊपर कुछ क्वेश्चन, यानी कि हम मॉडुलस फंक्शन को किस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आपने पॉलीनोमियल को आराम से कर लेते हो, लेकिन आप इसमें फंस जाते हो, किसमें मॉडुलस फंक्शन में, तो आज आपको बिल्कुल देखिए मैं आपको क्लियर करता हूं किस तरीके से आपको करना है। जैसे मान लीजिए हमारे पे dy / dx निकालना है, हमें y इक्वल्स टू क्या दे रखा है x मोड x। अब यहाँ पे एक कंडीशन दे रखी है, इन कंडीशन को आपको ध्यान से देखना, आज तक आप इग्नोर करते थे ना, अब ध्यान देना पड़ेगा अगर मॉडुलस फंक्शन है तो। अब मेरी बात समझिए, यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे ये बोला गया कि जब यहाँ पे दोनों टाइम निकालना है आपको, यानी कि दो बारी में निकालना है, अगर x आपका 0 से छोटा है और अगर आपका x बड़ा है किससे 0 से, तो आपको इसको डिफ्रेंशिएट करके दिखाइए। तो सबसे पहले देखिए, पहली कंडीशन लेते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं, पहली कंडीशन लेते हैं व्हेन x इज लेस देन 0। तो इस वाली कंडीशन में पहले आप ध्यान दो मेरी बात सुनो, हमारा हमें आपको पता है कि मॉड का, जैसे मान लीजिए एफ एक्स इक्वल्स टू क्या आपका मॉड एक्स है। अब देखो मॉड एक्स का मतलब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था, प्रीवियस वीडियो क्या मैंने आपको लिमिट वाले चैप्टर में समझाया था, वहां से अगर आपने देखा है तो बहुत बढ़िया है, समझ में आ जाएगा, और अगर नहीं देखा तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, फिर भी मैं अपने एंड से समझाने की कोशिश करता हूं। आप इसको क्या लिख सकते हो फंक्शन एफ एक्स। अब देखो ये ना दो तरीके से टूटता है, ये क्या बोलता है मैं हमेशा पॉजिटिव ही रहूंगा, आप x बराबर 1 लोगे तो वैसे भी पॉजिटिव आएगा, अगर आप माइनस 1 लोगे तब भी पॉजिटिव आएगा, तो ये क्या लॉजिक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन इस तरीके से टूटता है, कैसे टूटता है, ये दो जगह डिफाइन होता है ऐसे कि अगर आपने x आपका बड़ा है किससे 0 से, तब तो आपका वही आ जाएगा x ही आ जाएगा, अगर आपका x 0 से बड़ा है तो वहां पे क्या आ जाएगा आपका वही आ जाएगा, जैसे 1, 2, 3, 4 सबकी जगह ये आ जाएगा। और अगर यहाँ पे x क्या हुआ 0 से छोटा हो गया, यानी कि माइनस में 1 माइनस में 2 इस तरीके से, तो तब ये कैसे निकल के आएगा माइनस में, बात समझो मेरी, मैं क्या समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए x बराबर माइनस का 1 है, x बराबर माइनस का 1 है, आप यहाँ पुट करोगे तो मोड माइनस का 1, अब मोड का करता खुलता है और इसको क्या कर देता है एक माइनस ऐसे दे देता है, तो ये कैसा हो जाएगा पॉजिटिव, समझ गया ना। अब देखो ना, आप खुद ही सोचो, जैसे x 0 से छोटा है, तो 0 से छोटा है तो माइनस का वन देखो ये माइनस में है पहले से ही, माइनस का 1 और आएगा तो ये कैसा बन जाएगा प्लस, तो वही मैं कह रहा था कि ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। अब देखो हम इसको खोलने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे दो तरीके से, एक बार आपका क्या होगा अगर मोड कहीं पे लगा हुआ है, देखो यहाँ पे आपको इजीली समझ में आ जाएगा, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं वाई इक्वल्स टू एक्स, देखो मोड एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन, व्हेन एक्स इज लेस देन 0, देखो व्हेन एक्स इज लेस देन 0 तभी कितना आता है आपका माइनस में एक्स आता है, यानी कि ये कितना होगा माइनस में एक्स, तो इसको लिख सकते हैं माइनस में एक्स, ये क्या हो जाएगा माइनस में एक्स का स्क्वायर, राइट। अब इसको फाइनली आप डिफ्रेंशिएट कर दो तो डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल्स टू सिंपल आ जाएगा बताइए माइनस में 2x, यहाँ तक तो क्लियर है ना, इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2 तो आपका वो था, सॉरी मेरा मतलब था ये इसको आप करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 बार x, जैसे n बार होता है तो हमने 2 बार कर लिया, यहाँ पे x और इसकी पावर में कमी आ गई, क्लियर। चलो यहाँ पे हमने करा कि जब ये x से लेस देन था, तो लेस देन के लिए ये आपका मोड जो था इसके अंदर कैसे डिफाइन होगा माइनस का x, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा माइनस का x, x x क्या हो गया x का स्क्वायर माइनस में, इसको हमने सॉल्व करा डिफ्रेंशिएट करा तो फाइनली हमारा आंसर ये आ गया। चलिए अब हम अगला करते हैं, अगर मान लीजिए इफ यदि x इज ग्रेटर देन 0, अगर x हमारा 0 से बड़ा है, तो अगर ये 0 से बड़ा होता है तो मोड की जगह आप क्या लिखोगे सिर्फ x ही लिखोगे, यानी कि ये क्या बन जाएगा आपका y इक्वल्स टू x, और यहाँ पे ये भी क्या हो गया इनटू में x, यानी कि हो गया आपका x का स्क्वायर, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो dy अपॉन में dx इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2x। तो यहाँ तक क्लियर है आपको, चलो बताओ हाँ या ना, प्लीज आप बताना। मैंने क्या बोला कि मोड x, अगर आप x बड़ा है, x छोटा है किससे
जीरो से, तो अगर ये एक्स जीरो से छोटा है तो अब ये किसमें आएगा, माइनस का एक्स आएगा क्योंकि इसके अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पे अगर ये जीरो से बड़ा है तो यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा, एक्स। यहाँ पे क्या आ गया, एक्स का स्क्वायर। इनकी दोनों ही कंडीशन में देखो ये आपका आंसर आएगा डिफ्रेंशिएशन का। माइनस में टू एक्स होगा कब, जब दिस इस वाली कंडीशन में, और यहाँ पे टू एक्स होगा कब, जब एक्स आपका क्या होगा, बड़ा होगा किससे, जीरो से। तो ये चीज आपको समझ में आई, प्लीज इसे नोट करिए। करते हैं मॉडुलस फंक्शन के ऊपर एक और क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, इन्होंने बोला है वाई इक्वल्स टू क्या आपका मोड एक्स माइनस वन प्लस में मोड एक्स माइनस फाइव, वेन एक्स इज इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, यानी कि x से 1 से बड़ा है और 5 से छोटा है। इसका मतलब क्या, x क्या होगा बताइए, 2 होगा, 3, 4, यही तो होगा अगर इन दोनों के बीच में, तो भाई यही तो होगा ना। चलो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले आपको इसके यहां से मोड को हटाना है। तो देखो बहुत ही अकलमंदी से काम लेना मोड वाले क्वेश्चन में, हम इसको क्या बोल सकते हैं, y इक्वल्स टू, पहले इसको देखो, हम मोड को खोलना सिखाते हैं पहले। ये x माइनस 1 है, अब यहां पे आ जाओ, क्या x की वैल्यू यहां पे पुट करके देखो, 2, तो क्या आया पॉजिटिव में आएगा ना 1, यहां पे 3 पुट करोगे तो क्या आएगा 2, फिर 4 पुट करोगे तो 3 आएगा, यानी कि सारे आंसर किससे आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, x प्लस 1, यानी कि सॉरी x माइनस 1, ये प्लस में खुलेगा ना, यहां पे प्लस का ही साइन रहेगा, समझ आया, क्योंकि अंदर खुद ही पॉजिटिव था ये सारी वैल्यू रखने पे, तो ये पॉजिटिव में खुला। यहाँ पे हम इसको खोलते हैं, तो यहाँ पे क्या हमारा x माइनस 5, यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज रखता हूँ तो ये देखिए क्या आएगा, 2 रखोगे तो माइनस का 3, 3 रखोगे तो माइनस का 2, 4 रखोगे तो माइनस का 1, यानी कि हमें एक माइनस का निशान लगाना पड़ेगा ताकि वो अंदर वाले को क्या कर दे, पॉजिटिव कर दे, क्लियर। अब यहाँ पे पुट कर लीजिए, बस ये ब्रेक करना आना चाहिए, ब्रेक करना बहुत आसान है, ब्रेक करना आ गया तो खत्म, कुछ है नहीं क्वेश्चन में। यहाँ पे लिखिए वाई इक्वल्स टू, क्या इस मोड की जगह हम ये लिख लें तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 1, फिर क्या हम इस पूरे की जगह ये लिख लें तो माइनस में कितना आ जाएगा एक्स, और यहाँ पे माइनस में 5। अब हम ब्रैकेट खोल लेते हैं, तो x माइनस 1 माइनस में x प्लस में 5, यहाँ तक क्लियर है। देखो x से x पूरा खत्म, तो यहाँ पे क्या आ गया 4, यानी कि y बराबर क्या आ गया 4। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो dy अपॉन में dx इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0। तो ये फाइनली हमारा आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तो प्लीज नोट करिए इसको। सो स्टूडेंट अब हम कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड एक क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या दे रखा है इन्होंने, इन्होंने बोला कि आपको फंक्शन का डिफरेंशिएशन पता करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर आपका फंक्शन इस तरीके से दे रखा है। तो देखो क्या हम इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, लेकिन सिर्फ जब साइन होगा तभी तो लगाओगे। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर मुझे ये फॉर्मूला लगाना है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, डिवाइड टूल। डिवाइड टूल का मतलब कोटेंट टूल लगाना पड़ेगा, लेकिन हमने कोटेंट टूल तो अभी देखे ही नहीं ऐसे क्वेश्चन। हम कोटेंट टूल और प्रोडक्ट टूल के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अभी हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे ही कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा, हमें इसको एक्सपेंड करना होगा इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। एक्सपेंड तो हो सकता है ना ऊपर वाला, तो हम करेंगे इसको। तो देखिए हम करते हैं इसको एक्सपेंड, तो एक्सपेंड करिएगा तो क्या आएगा बताइए, साइन एक्स ए की जगह है, फिर क्या आ जाएगा कॉस ए राइट प्लस में यहाँ पे कॉस एक्स और साइन ए। तो यहाँ तक क्लियर है, नीचे देखो क्या था इसके, साइन एक्स था, तो इसके नीचे भी क्या आ जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा, और इसके नीचे भी क्या आ जाएगा बताइए, साइन एक्स आ जाएगा। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया, देखो साइन एक्स का साइन एक्स तो पूरा पूरा चला गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉट एक्स, तो यहाँ पे लिख लेते हैं सिर्फ कॉट एक्स। तो यहाँ तक तो क्लियर है, यहाँ पे आ जाएगा ये कॉट एक्स। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन कर दो, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, देखो यहाँ पे ए है ना, यानी कि क्या हो गया कॉन्स्टेंट, जब तक यहाँ पे एक्स ना हो, जैसे कॉट एक्स है तभी वो माना जाएगा वेरिएबल, वरना ये क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट का क्या होता है, जीरो प्लस में, यहाँ पे आप करो ए है ना, देखो अगर आपका कॉन्स्टेंट जैसे मान लो कोई भी कॉन्स्टेंट है, जैसे साइन ए, ये तो कांस्टेंट हुआ क्योंकि एक्स नहीं है यहाँ पे, अगर ये किसी भी वेरिएबल के साथ है तो आप इसको क्या कर लोगे, बाहर निकाल लोगे, इसको जीरो नहीं लिखोगे। अगर ये अकेले पड़ जाए कभी भी कांस्टेंट, तब तो गया काम से, उसका जीरो लिख दो। और अगर नहीं है साथ में किसी के, तो आप इसको कॉमन निकालो, यहाँ पे क्या एक्स है ना, तो एक्स आपका रहेगा। तो हम इसको करते हैं, देखिए पहले यहाँ पे क्या साइन है, साइन ए को हम बाहर निकालते हैं, हमने बाहर निकाल लिया, फिर यहाँ पे क्या आएगा डी अपॉन में डी एक्स, किसको करेंगे हम, सिर्फ कॉट एक्स को करेंगे। और अगर यहाँ पे सिर्फ कॉट एक्स नहीं होता, सिर्फ साइन ही होता, तब आंसर जीरो लिखते हैं, लेकिन अगर साथ में कॉन्स्टेंट तो आप उस कॉन्स्टेंट को पहले बाहर निकालो, जो वेरिएबल उसको डिफ्रेंशिएट करके साथ में लिखो। तो इसको हम करते हैं, क्या आ जाएगा बताइए, साइन ए कॉट एक्स का देखो क्या है, माइनस में कोसेक, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस में कोसेक स्क्वायर एक्स। तो फाइनली हमारा कंप्लीट हो गया, डी वाई अपॉन में डी एक्स हमें निकाल लिया राइट। तो चलो ये तो हमारा कंप्लीट हुआ ना यहाँ तक, प्लीज आप इसे नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्लीज नोट करिए। सो स्टूडेंट अब हम करते हैं कुछ प्रूफ वाले क्वेश्चन। तो देखिए हमें यहाँ पे प्रूफ करके दिखाना है कि अगर ये पूरा वाई के बराबर है, तो आप प्रूफ करिए कि डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल्स टू वाई आएगा। तो चलिए हम इसको डिफरेंशिएट करके देखते हैं, सबसे पहले हम इसको क्या लिख लेंगे, डी वाई अपॉन में डी एक्स राइट। इस पूरे में करोगे तो पहले इसका करोगे, फिर इसका, इस तरीके से इंडिविजुअल। तो हम करते हैं पहले इसका, इसका क्या आ जाएगा आपका आंसर, जीरो प्लस में इसका करोगे तो क्या होगा, एक्स का वन ही होगा, तो वन अपॉन वन का मतलब वन होता है। प्लस में यहां पे करोगे सबसे पहले एक्स का स्क्वायर का, क्योंकि ये तो चीज कॉन्स्टेंट है ना, इसको आप करोगे। देखो फैक्टोरियल का मतलब पता है ना, टू फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, टू इंटू वन। थ्री फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, थ्री इंटू वन। हालांकि हमें इस पर कॉन्सेंट्रेट अभी करना नहीं है, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मीनिंग है इसका राइट। इसको हम क्या लिख लेंगे, टू एक्स ऊपर आ जाएगा टू एक्स, और नीचे क्या आपका टू फैक्टोरियल है राइट। इसके बाद हमारा क्या है, एक्स, एक्स का देखो एक्स का क्यूब है ना, तो हम देख लेंगे थ्री एक्स का स्क्वायर, नीचे क्या आएगा आपका थ्री आएगा। इस तरीके से ये चीज रिपीट होते हुए चली जाएगी, डिफ्रेंशिएट होते हुए। अब यहाँ पे देखिए क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख लूँ, ये वन है हमारा, इस टू से इस टू को काट सकते हो क्योंकि टू इंटू वन होगा, तो टू से टू कट जाएगा, नीचे वन ही बचेगा, तो ये बच गया आपका एक्स अपॉन वन, हम लिख सकते हैं ना वन बचा है तो वन फैक्टोरियल। प्लस में यहाँ से तीन चला गया,
चलिए 3 फैक्टोरियल था ना, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, देखो यहाँ पे 3 फैक्टोरियल, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 × 2 फैक्टोरियल, ये तो मतलब हुआ। अब देखो 3 से 3 चला गया पूरा पूरा, तो मैं यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल। इस तरीके से आप देखोगे अगर आप आगे वाले को करते हो तो आएगा एक्स का क्यूब अपॉन में 3 फैक्टोरियल। तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये पूरा क्या हो गया, देखिए ये पूरा तो दोबारा से वाई आ गया ना, ये पूरा किसके इक्वल था, वाई के इक्वल, देखो ना 1 प्लस में एक्स अपॉन में 1 फैक्टोरियल, ये पूरा किसके इक्वल था, वाई के। तो इसको लिख लेंगे वाई के बराबर, ये क्या आ गया आपका डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई, मेरा मतलब ये प्रूफ हो गया। सो स्टूडेंट इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है, अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।